हेलो गाइस, मैं आज आपको कामिका एकादशी के बारे में सारी विस्तार से जानकारी बताती हूँ और उसके साथ आपको कहानी भी सुनाती हूँ। यह सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे पवित्रता पवित्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती करनी चाहिए। अब मैं आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाही, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सब ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने उसे एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब शयन कर रहा था, तभी एक सपन हुआ। सपन में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया, अब तू ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकता है। तेरे गरसू तक नष्ट हो गया। ठाकुर तेरहवीं करके भरमत्ता के पाप से मुक्त हो विष्णु लोक को गया।